पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर बनाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। Hello students, welcome back to the next lecture of digital signal processing. In today's lecture we are going to discuss the next topic, that is all pole filters. देखिए ऑल पोल फिल्टर्स की कैटेगरी में वील बी डिस्कसिंग बटरवर्थ फिल्टर एंड चेबिशेव फिल्टर. चेबिशेव भी टाइप 1 टाइप 2 फॉर इवन एंड ऑड एंड बटरवर्थ फिल्टर विद अप्रोक्सीमेशन डिजाइन कॉन्सेप्ट. तो आज के लेक्चर में वील बी स्ट्रिक्टली फोकसिंग ऑन दी डिजाइन ऑफ दी बटरवर्थ फिल्टर. अब बच्चों अगर आप इस लेक्चर की बात करो तो दिस लेक्चर इज वेरी मच रिलेटेड विद द बेसिक डिजाइन लेक्चर ऑफ IIR फिल्टर जो इस यूनिट का पहला लेक्चर था, जहां पर अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने आइडियल फिल्टर और प्रैक्टिकल फिल्टर का कंपैरिजन किया था. वहां पर मैंने आपको बताया था कि हम आइडियल फिल्टर क्यों नहीं यूज कर सकते और स्टेबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी डिस्कस किया था. वहां पे ऐसा ही ग्राफ हम पहले भी बच्चों देख चुके हैं, ठीक है ना. तो ये लेक्चर उसी लेक्चर के कंटिन्यूएशन में है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम यूज कर रहे हैं ये उसी लेक्चर्स के यूज करेंगे. चलो अगर आप ध्यान से इस पर्टिकुलर डायग्राम को देखो जो मैंने रिस्पॉन्स बना रखा है फॉर बटरवर्थ फिल्टर, दिस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स, दिस वन. अब यहां पर बच्चों क्लियरली पास बैंड और स्टॉप बैंड में डिफरेंशिएशन है और बीच में एक ट्रांजिशन बैंड है. ये वही डायग्राम है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये नया डायग्राम नहीं है. लास्ट टाइम अपने डिस्कशन में हम लोगों ने रिपल्स की बात की थी, ठीक है ना, रिपल्स की बात की थी. अगर यहीं पर मैं एक आइडियल फिल्टर बना दूं बच्चों तो आइडियल फिल्टर का कुछ ऐसा ग्राफ बनना चाहिए, ऐसे आना चाहिए, फिर रुकना चाहिए और फिर पास होना चाहिए, राइट. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पुराने लेक्चर में. बट इट इज नॉट पॉसिबल टू डील विद एन आइडियल फिल्टर, सो वी प्रेफर प्रैक्टिकल फिल्टर्स. अब अगर मैं बटरवर्थ अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहा हूं तो दिस इज द बेसिक डिजाइन कॉन्सेप्ट दैट वी प्रेफरेबली यूज. अब इस डिजाइन कॉन्सेप्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको जो पास बैंड दिख रहा है, दिस पास बैंड इज नियरली फ्लैट. दिस पर्टिकुलर पास बैंड दिस इज नियरली फ्लैट. मैं हाईलाइट कर देता हूं, दिस पास बैंड इज नियरली फ्लैट, ठीक है ना. फ्लैट है मतलब हमने रिपल्स अवॉइड किए हैं अपने पास बैंड में, ठीक. और मेरा जो स्टॉप बैंड है वो डिक्रीज कर रहा है. पास बैंड कंस्टिट्यूट्स ऑफ द फ्रीक्वेंसीज दैट द फिल्टर विल पास एंड स्टॉप बैंड विल कंस्टिट्यूट द फ्रीक्वेंसीज दैट द फिल्टर विल स्टॉप. हम लो पास फिल्टर्स को ही एनालाइज करते हैं बच्चों. तो लो पास फिल्टर के लिए अगर मैंने ये कट ऑफ डिसाइड कर दिया, अगर आप ध्यान से देखेंगे अगर मैंने ये कट ऑफ डिसाइड कर दिया, दिस इज माई कट ऑफ, तो कट ऑफ के पहले पास बैंड होगा, कट ऑफ के बाद स्टॉप बैंड होगा, ठीक है ना. चलो अब बटरवर्थ अप्रोक्सीमेशन में दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन दैट वी यूज. ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन आता है, ठीक. हमें डिराइव नहीं करना है, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर ओनली. ये अप्रोक्सीमेटेड हमें फंक्शन याद रखना है. इसमें जो वैल्यूज हैं वो मैं आपको बता देता हूं. This n stands for the order of the filter. It is very important. आप सेकेंड ऑर्डर बना रहे हो, थर्ड ऑर्डर बना रहे हो, फोर्थ ऑर्डर बना रहे हो, ये n डिसाइड करेगा, राइट. अच्छा इस पर्टिकुलर ग्राफ में अगर आप देखो दिस इज द पास बैंड एज वैल्यू. ये हमने पुराने लेक्चर में भी डिस्कस किया है. दिस इज द टॉप बैंड एज वैल्यू, मतलब एज पर जो वैल्यू आ रही है. एज इन सेंस यहां से टेक्निकली आपका स्टॉप बैंड स्टार्ट हो रहा है और यहां पे टेक्निकली आपका पास बैंड एंड हो रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक. तो दीज आर दी एज्ड वैल्यूज यहां पे, इनफैक्ट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. तो दीज आर दी एज वैल्यूज, फाइन. पास बैंड स्टॉप बैंड भी क्लियरली यहां पर दिख रहा है. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डू वी डिजाइन अ बटरवर्थ फिल्टर, ठीक है ना. अच्छा बटरवर्थ फिल्टर बनाने के लिए आपको एक ट्रांसफर फंक्शन तक पहुंचना है और उस ट्रांसफर फंक्शन को फिर स्टेप वाइज फॉलो करना है इन ऑर्डर टू डिजाइन द फिल्टर. देखिए अगर आपको पुराने मेथड्स नहीं याद हैं, आपने इंपल्स इनवेरिएंस और BLT नहीं पढ़ा है तो दिस लेक्चर इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल. दूसरा मेरा एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा मेमोराइज करने वाला है, तो प्लीज अपने साथ एक कॉपी उठा लीजिए, अपनी नोट्स की पेन उठा लीजिए। मैं जैसे जैसे स्टेप मैंने लिखे हुए, आप भी अपने नोटबुक में उसको नोट कर लीजिए। जिस स्टेप में जहां पे भी समझने वाला पार्ट है या जहां पर भी ऐसा पार्ट आ रहा है जहां पर न्यूमेरिकल में गलती हो सकती है, वो मैं आपको यहीं पर एक्सप्लेन कर दूंगा। बुक से देखोगे तो बहुत डिफिकल्ट लगेगा। फाइन, चलो डिजाइन स्टेप्स डिस्कस करते हैं फॉर बटरवर्थ फिल्टर अप्रोक्सीमेशन। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज, आपको डिजिटल फिल्टर के स्पेसिफिकेशन दिए होंगे, आपको एनालॉग फिल्टर के स्पेसिफिकेशन, दोनों में से एक के स्पेसिफिकेशन दिए होंगे, टेक्निकली दूसरे के निकालने होंगे, राइट। वाइस वर्सा कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी हम क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आपको डिजिटल के स्पेसिफिकेशन दिए होंगे और आपको एनालॉग के निकालने होंगे, ठीक है। अच्छा, ये इन स्पेसिफिकेशन का रिलेशन हम ऑलरेडी जानते हैं। हम ओमेगा की वैल्यू एनालॉग से डिजिटल में कैसे चेंज होती है ये जानते हैं, इंपल्स इनवेरियंस में भी जानते हैं ओमेगा अपॉन टी एस, और BLT में भी जानते हैं ओमेगा अपॉन टी एस एंड 2/Ts वाला फॉर्मूला। दोनों फॉर्मूले हम पुराने लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो आई एम नॉट रिवाइजिंग दोज फॉर्मूलास, वो यहां पर यूज होंगे। नाउ द सेकेंड एंड द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ द फिल्टर। अब बच्चों, फिल्टर का जब मुझे क्वेश्चन में, अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो या तो आपको डायरेक्टली पास बैंड और स्टॉप बैंड के एटीन्यूएशंस दिए होंगे, अगर दिए हुए हैं तो वेल एंड गुड, आप यू विल बी यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में प्लीज ये 1/2 स्किप मत कर दीजिएगा, बहुत से लोग स्किप कर देते हैं, डिजाइन में आंसर चेंज हो जाएगा राइट। बाकी ओमेगा एस स्टॉप बैंड एच, ओमेगा पी पास बैंड एच, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, और हमने ये ऊपर के डायग्राम में भी आपको क्लियरली दिखाया हुआ है। इस पर्टिकुलर डायग्राम में भी हमने ओमेगा एस और ओमेगा पी लिखा हुआ है। तो देखिए, सबसे पहली चीज आई वुड रादर सजेस्ट यू, सबसे पहले तो आप इस डायग्राम को बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक, इसके बिना काम नहीं चलने वाला। फाइन, विद ऑल द पैरामीटर्स, सभी पैरामीटर्स भी आपको पता होने चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई ऑर्डर का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? तो पहले तो ये हो गया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला एज वेल। वो जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे आपको समझ में आता जाएगा कि वेयर टू यूज विच पर्टिकुलर फॉर्मूला, इट्स नॉट अ बिग डील, वो क्वेश्चन से ही क्लियर होगा। बट बेटा, क्वेश्चन तब तक नहीं क्लियर होंगे जब तक आपको, जैसे एल्गोरिदम आप पढ़ते हो, अगर आपको सारे स्टेप्स नहीं मालूम तो आप डिजाइन नहीं कर सकते। द सेम थिंग इज एप्लीकेबल हेयर ऑल्सो, आपको सभी डिजाइन स्टेप्स पता होने चाहिए। विदाउट द डिजाइन स्टेप्स यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक। अच्छा, यहां पर कभी कभी अलग अलग फॉर्म में दिया जाता है, जैसे आपको अगर आप देखो तो मैंने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया है ओमेगा एस। अगर आपको एटीन्यूएशन दिया हुआ है स्टॉप बैंड में, ये सब हाईलाइट करके लिखेंगे, एटीन्यूएशन इन स्टॉप बैंड, ठीक है ना। अगर आपको एटीन्यूएशन दिया हुआ है तब आप ये पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज करोगे, दिस वन। ऊपर और नीचे वाले फॉर्मूले में ध्यान रखिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए, ओके, ASAP में। फाइन, ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं। अगर आपको स्पेसिफिकेशंस डेसिबल में दिए हैं तो ऑब्वियसली आपने कुछ नहीं करना है, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को डेसिबल्स में कन्वर्ट कर लेना है। ये है वो फॉर्मूला, मैंने कन्वर्ट करके लिखा हुआ है, तो देयर इज नो बिग डील, ओके। तो ये आपको फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला नोट करते चलिए। अब ऑर्डर का इंपॉर्टेंस क्या है बेटा? अगर मैं फिल्टर का ऑर्डर बढ़ाता जाऊं तो उसके रिस्पॉन्स पे क्या फर्क पड़ेगा, इसको यहीं पर समझ लीजिए। मान लीजिए ये आपका आइडियल रिस्पॉन्स है, ऑब्वियसली आपका आइडियल रिस्पॉन्स ऐसा ही होगा, दिस इज योर आइडियल रिस्पॉन्स। तो मैं 3 कर्व प्लॉट कर रहा हूं और इन तीनों कर्व से आपको लॉजिक समझ में आएगा। एक मान लीजिए मैंने ऐसे बना दिया, दूसरा कर्व काइंड ऑफ मैंने यू कैन से ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया से, और तीसरा कर्व आप कह सकते हो मैंने यहां से ले जाके ऐसे बना दिया, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे तीनों कर्व में डिफरेंशिएशन होना चाहिए। ये 1 है, ये आपका 2 कर्व है, और ये आपका से 3rd कर्व, ठीक। अब this is n is equal to 2, this is n is equal to 4, this is n is equal to 8. What I mean to explain is, अगर मैं फिल्टर का ऑर्डर बढ़ाता जाऊंगा तो मेरा रिस्पॉन्स आइडियल रिस्पॉन्स की तरफ टेंड करेगा. दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट, ठीक है ना. अगर मैं फिल्टर का ऑर्डर बढ़ाता जाऊंगा तो मेरा रिस्पॉन्स आइडियल रिस्पॉन्स की तरफ टेंड करेगा. प्लीज नोट करते चलेंगे, फाइन. चलो, नेक्स्ट इज वी कैलकुलेट द कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज. कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो तरीके से डिजाइन हो सकती है. अगर इंपल्स इनवेरियंस मेथड यूज कर रहे हैं तो दिस इज द फॉर्मूला, अगर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म यूज कर रहे हैं तो दिस इज द फॉर्मूला. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में. अब यहां पर प्रॉब्लम आती है. प्रॉब्लम क्या आती है बेटा, कभी कभी ओमेगा सी नहीं दिया होता है. तो अगर ओमेगा सी नहीं दिया है तो हम ये दोनों फॉर्मूले यूज करेंगे. इसको बिल्कुल फ्लो चार्ट की तरह याद करेंगे, वीडियो पॉज करके नोट करेंगे, फाइन. चलो, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. Once this step is completed, now we determine poles. अब यहीं पर सबसे ज्यादा गलती होती है. ये पोल्स का फॉर्मूला है. जरा पोल की रेंज देखिए. रेंज है बच्चों 0 से n-1 तक, ठीक. मतलब अगर मैंने n is equal to 2 सेकेंड ऑर्डर डिसाइड किया है. डिसाइड क्या किया है, ऑर्डर भी मैं यहां से निकालूंगा ही, ऑब्वियसली ऑर्डर भी मैं यहां से निकालूंगा. यहां से मुझे ऑर्डर मिलेगा. अगर मेरा ऑर्डर 2 आ रहा है, ठीक, तो इसका मतलब मैं 0 1 के की दो वैल्यू रखूंगा, 0 1, ठीक. बच्चा, ओमेगा सी मैं कैलकुलेट कर चुका हूं, ऑर्डर मैं कैलकुलेट कर चुका हूं. फॉर्मूला अगर याद है, पूरा लेक्चर पूरा कॉन्सेप्ट फॉर्मूला बेस्ड है बेटा. अगर फॉर्मूला पता है तो आंसर आएगा, नहीं पता है तो नहीं आएगा, ठीक. अब मैं सेलेक्ट कौन से पोल करूंगा, वी विल सेलेक्ट poles lying on left half of S plane. ये ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा कि हमें S plane के लेफ्ट पे लाई करने वाले पोल्स ही सेलेक्ट करने हैं. ये गलती ना हो कि आप कोई भी, जितने भी पोल्स आपने कैलकुलेट किए हैं, आपने सभी पोल सेलेक्ट कर लिए तो गलत है वो. ये गलती नहीं होनी चाहिए, फाइन. अच्छा, लास्ट स्टेप में ये है वो ट्रांसफर फंक्शन जो मेरा बन के आएगा HS. अब किसी भी IIR फिल्टर डिजाइन में हम HS से H of Z पे पहुंचते हैं. पुराने दोनों लेक्चर्स में हम कर चुके हैं, चाहे इंपल्स इनवेरियंस की बात हो, चाहे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म की बात हो, दोनों में ही हम HS से HZ पे पहुंचे हैं. अब जब हम HS से HZ पे पहुंचेंगे तब अगेन हम इंपल्स इनवेरियंस भी यूज कर सकते हैं और बाइलिनियर भी यूज कर सकते हैं, और दोनों के मेथड जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए हैं वही एज इट इज इंप्लीमेंट होंगे. देखो, ये मेथड मुझे बटरवर्थ फिल्टर अप्रोक्सीमेशन मुझे HS बना के दे रहा है, और HS ऑल पोल है. अगर आप इस ट्रांसफर फंक्शन को देखोगे तो ये ऑल पोल फिल्टर बन रहा है आपका, सभी पोल्स ही आ रहे हैं. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे गलती करते हैं कि कभी कभी आपको यहां पर कॉम्प्लेक्स पोल्स भी मिलेंगे, तो कोई टेंशन नहीं है. कॉम्प्लेक्स पोल्स कॉन्जुगेट में, कॉन्जुगेट फॉर्म में ही मिलते हैं, ठीक. चलो, एक क्वेश्चन देखते हैं. अ डिजिटल फिल्टर हैज द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस. व्हाट आर द स्पेसिफिकेशंस इन द एनालॉग डोमेन इफ वी यूज ILT, इंपल्स इनवेरियंस एंड BLT. तो बच्चों, ये मुझे क्या दिया हुआ है, ये मुझे दिया हुआ है डिजिटल डोमेन में, यानी कि ये मुझे ओमेगा P दिया हुआ है, ये मुझे ओमेगा S दिया हुआ है, राइट. मुझे एनालॉग डोमेन में निकालना है तो सबसे पहले मैं ILT देखता हूं. अगर ILT निकालना है तो ओमेगा P क्या हो जाएगा, ओमेगा P/TS. अगेन क्वेश्चन में आप देखो TS नहीं दिया है, मैं पिछले लेक्चर से बोल रहा हूं, जब नहीं दिया है तो 1, ठीक, वैल्यू पुट कर देंगे तो 0.2 पाई रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक. ऐसे ही ओमेगा S कितना आ जाएगा, ओमेगा S आ जाएगा, ये वाला ओमेगा S/TS, तो 0 पॉइंट समथिंग जो भी दिया हुआ है सीधे सीधे वही आ जाएगा, राइट. क्लियर है ये, इसमें कोई डाउट नहीं है. यही अगर मैं BLT यूज करूंगा तो BLT यूज करने में मेरा फॉर्मूला आपको मालूम है. मैं फॉर्मूला यूज करूंगा ओमेगा is equal to 2/TS tan ओमेगा/2. जब यहां S होगा तब यहां S होगा, जब यहां P होगा तो यहां पे P होगा, राइट. तो ये इस न्यूमेरिकल में हमने केवल बेसिक डिस्कस किया है कि हम कैसे एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे अगर मेरे पैरामीटर्स अदरवाइज दिए हैं। अब चलिए एक फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन करते हैं, कंप्लीट डिजाइन एग्जांपल, जिससे आपको पूरी एल्गोरिदम समझ में आ जाएगी। चलिए बच्चों, दिस इज द क्वेश्चन दैट वी हैव टू डिस्कस। ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि यूजिंग बीएलटी वी हैव टू डिजाइन अ बटरवर्थ फिल्टर, जिसमें कुछ स्पेसिफिकेशंस मुझे दिए हुए हैं। क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको डायरेक्टली चीजें नहीं दी हुई हैं, बल्कि इनडायरेक्टली एक एक्सप्रेशन दिया है। तो सबसे पहला स्टेप है, हम इस एक्सप्रेशन को डिकोड करके वील ट्राई एंड फाइंड कि मेरे को इंफॉर्मेशन कौन कौन सी मिल सकती है इससे। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को प्लॉट करने की बेटा कोशिश करूं, तो पहले तो मैं एक बेसिक वो बना लेता हूं जो मेरा बटरवर्थ फिल्टर का एक्सप्रेशन आता है। अब यहां पर जरा आप ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे मैं मॉड्स ऑफ एच ओमेगा और ओमेगा प्लॉट करता हूं। अब देखो मुझसे कह रहा है ओमेगा का वैल्यू जब 0 से बड़ा है और 0.2 से छोटा है, ठीक। और दूसरे केस में वो कह रहा है कि ओमेगा का वैल्यू आपका 0.6 से बड़ा है और पाई से छोटा है। तो सबसे पहले मैं ये पॉइंट्स प्लॉट कर लूं। ओमेगा 0 यहां आएगा एंड ओमेगा 0.2 मान लेता हूं यहाँ, ओमेगा 0.8, ओमेगा 0.8 यहाँ आएगा, 0.2 मान लिया यहाँ आएगा। मैं ओमेगा एक्सिस पे हूं तो इनसे कंसर्न हूं। फिर ओमेगा 0.6 यहाँ आएगा एंड ओमेगा इस पाई कम समवॉट यहाँ आएगा। अब कह रहा है कि इस इंटरवल में 0 से 0.2 पाई के बीच में, अगर आप देखो ये पाई है, ये पाई है, तो वेरिएशन कितना है 1 और 0.8 का। तो ऑब्वियसली ये 1 रहा होगा और ये मेरा 0.8 रहा होगा, 0.8। तो यहां से मुझे पहली जो मेरी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो एपी की वैल्यू मिल रही है 0.8 और ओमेगा पी की वैल्यू मिल रही है 0.2 पाई, राइट। लाइकवाइज यहां से आई कैन से दैट दिस इज माई 0.2, तो मेरे को एएस मिल रहा है 0.2 और ओमेगा एस मिल रहा है बच्चों 0.6 पाई। अब विद दिस इंफॉर्मेशन आई हैव टू डिजाइन द फिल्टर एंड आई हैव टू यूज बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म। तो मैं जैसे जैसे हमने स्टेप डिस्कस किए थे बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूं। स्टेप 1 में मुझे क्या करना था, मुझे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई करना था, तो मुझे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म यूज करना है। तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा ओमेगा अपॉन टी एस टैन ओमेगा अपॉन 2, राइट। इसको टी एस कर देते हैं। अच्छा, यहां पर मैं ओमेगा एस भी निकाल सकता हूं, कैसे, 2 अपॉन टी एस टैन ओमेगा एस अपॉन 2 से। और मैं ओमेगा पी भी निकाल सकता हूं, कैसे, 2 अपॉन टी एस टैन ओमेगा पी अपॉन 2 से। दोनों चीजें निकाल सकता हूं क्योंकि मुझे ओमेगा एस भी मालूम है, ओमेगा पी भी मालूम है। दोनों वैल्यूज आप यहां सब्स्टिट्यूट करोगे, मैं सीधे वैल्यू लिख रहा हूं। ओमेगा एस आएगा 2.75 एंड ओमेगा पी आएगा 0.65। विद दिस द स्टेप 1 इज अचीव्ड। हमने पहला गोल अचीव कर लिया है। नेक्स्ट मुझे ऑर्डर निकालना होता है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में मेरे को ऑर्डर निकालना होता है। तो यहां से स्टेप 2 पे आते हैं। स्टेप 2 पे मुझे फिल्टर का ऑर्डर निकालना है। फॉर्मूला n = 1/2, वही फॉर्मूला है जो मैंने वहां पे लिखा था, log 1/as² - 1 डिवाइडेड बाई 1/ap² - 1 डिवाइडेड बाई लॉग ओमेगा एस अपॉन ओमेगा पी। अब देखिए सभी वैल्यूज मुझे पता है, एएस पता है, एपी पता है, ओमेगा एस पता है, ओमेगा पी पता है। सब्स्टिट्यूट करूंगा, सॉल्व करूंगा। सॉल्व करने के बाद मैं सीधे सॉल्यूशन लिख रहा हूं, 1.3 आएगा। आप वीडियो को पॉज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। एएस की जगह एएस रखेंगे, राइट में देखिए मैंने निकाला हुआ है एएस। एएस इज 0.2, एपी इज 0.8, ओमेगा एस एंड ओमेगा पी आर रिस्पेक्टिवली 0.63 एंड 2.75 आई गेस। अच्छा, अब फिल्टर का ऑर्डर तो डेसिमल में नहीं हो सकता, तो हम हमेशा अपर इंडेक्स पे अप्रोक्सीमेट करते हैं और एन को अप्रोक्सीमेट कर लेंगे एज 2। तो मुझे फिल्टर का ऑर्डर पता चल गया, राइट। नेक्स्ट स्टेप थ्री क्या कहता है मेरा, माई स्टेप थ्री सेज दैट आई हैव टू फाइंड द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी। अब यहां पर मैं सेकेंड फॉर्मूला यूज करूंगा, मुझे ये नहीं दिया है, दिस इज नॉट गिवन, सो आई हैव टू यूज ओमेगा सी इज इक्वल टू ओमेगा पी 1 अपॉन ए पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2n। सभी वैल्यूज पुट करूंगा, सॉल्व करूंगा, आप भी सॉल्व करेंगे तो 0.75 आएगा। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। वंस ओमेगा सी इज डिटरमाइंड, अब हम पूरे क्वेश्चन के सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप पे आते हैं जो मेरा स्टेबिलिटी भी डिसाइड करता है, एंड दैट स्टेप इज फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द पोल्स। अब पोल्स के लिए मैंने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, पी के का वैल्यू होता है बच्चों प्लस माइनस ओमेगा सी ई टू द पावर जे एन प्लस 2k प्लस 1 पाई बाई 2n, फाइन। और k का रेंज होता है 0 से लेके n माइनस 1 तक। यहां पर n का वैल्यू 2 है तो k की मैं दो वैल्यूज लूंगा, एक 0 लूंगा बच्चों और एक 1 लूंगा, ठीक। तो जब मैं k को 0 लूंगा तो p ऑफ 0 मेरा आ जाएगा प्लस माइनस, ये मेरा 0.75 था, e टू दी पावर j, n की वैल्यू है 2 प्लस 1 3, तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई 4, फाइन। इसको कैसे सॉल्व करना है, प्लस माइनस 0.75 कॉस 3 पाई बाई 4 प्लस j साइन 3 पाई बाई 4, ये वैल्यू आ गई, ठीक। सॉल्व कर लेंगे, मेरे को दो पोल्स मिल जाएंगे, मैं वैल्यू लिख देता हूं जो जो आएगी, आप सॉल्व कर लीजिएगा। आप सिंपल है, ये हम पहले भी कर चुके हैं, नेटवर्क में भी ये पर्टिकुलर काम हम कर चुके हैं। स्टेबिलिटी क्राइटेरिया में एक ये पोल आएगा, दूसरा पोल आएगा 0.53 माइनस जे 0.53, राइट। ऐसे ही k इज इक्वल टू 1 के लिए भी मेरे को निकालना है, तो k इज इक्वल टू 1 के लिए जब मैं निकालूंगा तब p1 निकालूंगा, दिस विल बी प्लस माइनस 0.75। जब मैं k की वैल्यू 1 कर दूंगा तो 2 2 टू द 4 एक 5, ये आ जाएगा 5 पाई बाई 4। सेम स्टेप करूंगा, cos थीटा प्लस जे साइन थीटा में ब्रेक करूंगा, सॉल्व करूंगा तो मेरे पास पोल आ जाएंगे माइनस 0.53 माइनस जे 0.53 और दूसरा आएगा 0.53 प्लस जे 0.53। अब यहां पर बच्चों कभी कभी सेमेस्टर में आपसे ये भी कहता है कि पोल्स को प्लॉट करना है, एंड प्लॉटिंग ऑफ पोल्स इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, हम नेटवर्क में कर चुके हैं। अच्छा, प्लॉटिंग ऑफ पोल्स इंपॉर्टेंट क्यों है, मैंने डिजाइन स्टेप में भी बताया था। मुझे फिल्टर की स्टेबिलिटी का भी ध्यान रखना है, तो स्टेबिलिटी वाले क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए ये जरूरी है कि मैं लेफ्ट हाफ के पोल्स ही लूं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व कि जो मेरे लेफ्ट हाफ के पोल्स हैं वो हैं ये वाला पोल माइनस 0.53 वाला और ये वाला पोल। तो मुझे इन पोल्स में से केवल यही दो लेने हैं, ये मुझे नहीं लेना, ये मुझे नहीं लेना। ये दोनों पोल्स मेरे स्टेबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। मैं आपको वो स्टेप बता रहा हूं जहां पे आपसे गलती होगी, ठीक। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स पोल्स हैं, तो कॉम्प्लेक्स पोल्स हमेशा कॉन्जुगेट फॉर्म में आकर करते हैं। तो आप क्लियरली देखो बेटा, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो ये कॉन्जुगेट में भी है, ठीक है, ये कॉन्जुगेट में भी है। अब मेरा लास्ट स्टेप क्या कहता है कि मुझे एचएस लिखना है। स्टेप 5 मेरे को कहता है कि मुझे एचएस लिखना है। एचएस कैसे लिखता हूं मैं, एचएस लिखता हूं मैं ओमेगा सी टू दी पावर एन एस माइनस, यहां पर कॉम्प्लेक्स है तो एक बार ऐसे कर दो, एक बार ऐसे कर दो, राइट, कर सकता हूं। अब सारी वैल्यूज पुट करेंगे, जैसे आपका ओमेगा सी का वैल्यू है 0.75, एन का वैल्यू है 2, यहां पर s प्लस 0.53 माइनस j 0.53, ये एक टर्म आएगा, दूसरा आएगा s प्लस 0.53 प्लस j 0.53। अब मुझे क्या करना है, अभी मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, अभी तो मैं एनालॉग फंक्शन का एनालॉग डोमेन में ट्रांसफर फंक्शन बना पाया हूं, अभी तो मुझे इसको डिजिटल डोमेन में कन्वर्ट करना है। इसको मैं सॉल्व कर लूं, अब यहां से क्वेश्चन बदल जाता है। इसको सॉल्व करने के बाद मैं फाइनल एक्सप्रेशन लिख रहा हूं जो आएगा, ये आएगा 0.66 एक्स स्क्वायर प्लस 1.06 एस प्लस 0.56। तो आपने देखा कि हमने बटरवर्थ अप्रोक्सीमेशन यूज करके अभी केवल एचएस निकाला है बेटा। अब क्वेश्चन पे अगर हम वापस जाएं तो मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म यूज करना है। अब मुझे एचएस से एच ऑफ जी या एच ऑफ जेड निकालना है और इसके लिए मुझे बीएलटी यूज करना है। तो बीएलटी यूज करने के लिए मुझे पुराने लेक्चर में जाना पड़ेगा और ये सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा z माइनस वन जेड प्लस वन। एस की जगह इस एक्सप्रेशन में मैं ये सब्सटीट्यूट करूंगा और सॉल्व करूंगा, तब मैं फाइनली अपने डिजिटल फिल्टर के ट्रांसफर फंक्शन पे पहुंचूंगा। बहुत लेंदी क्वेश्चन होता है बट बहुत इजी होता है, बहुत ही इजी होता है बेटा। मैंडेटरी क्वेश्चन होगा, सेमेस्टर में इसके भी नहीं कर पाओगे। तो इट्स बेटर कि जैसा कि मैंने लेक्चर की शुरुआत में बोला था कि आप एक नोटबुक लेके बैठिए, जैसे जैसे मैंने स्टेप किए थे वो स्टेप्स देखिए। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, मोर और लेस सभी बुक्स में एक ही जैसे क्वेश्चन हैं, एक ही जैसे क्वेश्चन। भाई 0.8 का मैं 0.4 कर सकता हूं, 0.2 का मैं 0.1 कर सकता हूं, बाकी कॉन्सेप्चुअली कहीं चेंज नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि बटरवर्थ और चेबिशेव फिल्टर डिफिकल्ट हैं जैसा कि बहुत से बच्चों को लगता है या बहुत से टीचर्स कहते भी हैं। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, आपको सिर्फ ये 5 रूल याद रखने हैं और कैलकुलेटर चलाना आना है भाई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बीएलटी और इंपल्स इनवेरिएंस पता होना चाहिए। बहुत इजी यूनिट है ये, बहुत इजी यूनिट है। सेट क्वेश्चंस हैं, आप अगर 3 या 4 क्वेश्चन भी करके जाओगे तो पूरा 20 नंबर पाओगे इस यूनिट से। सिर्फ 3 या 4, हर तरीके का एक एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए बस, राइट। चलिए, अगर आपको लेक्चर पसंद आया, लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड इट येट। लाइक आई ऑलवेज से, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ चेबिशेव फिल्टर। थैंक यू सो मच।